अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7। राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ बार चार्ट इन एक्सेल। स्टूडेंट्स, हम बार चार्ट की क्रिएशन के स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में गिवन डेटा से बार चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस चार्ट्स एंड बार चार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। वी हैव डिस्कस्ड चार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। चार्ट्स आर बेसिकली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल्स में जो डेटा एंटर होता है उस डेटा की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड चार्ट। और ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हेल्पफुल है फॉर कंपेरिजन। यानी हमारे पास डेटा है तो डेटा का कंपैरिजन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा इजीली हो सकता है बजाय इसके कि हम उसको न्यूमेरिकली कंपेयर करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कितनी टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। फर्स्ट वन हियर इज कॉलम चार्ट, नेक्स्ट इज लाइन चार्ट, थर्ड वन इज पाई चार्ट, फोर्थ वन इज बार चार्ट, फिफ्थ वन इज एरिया एंड द लास्ट वन इज स्कैटर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा चार्ट्स की और भी बहुत सी टाइप्स हैं जो एम एस एक्सेल में क्रिएट की जा सकती हैं, जो एम एस एक्सेल में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी 6 टाइप्स डिस्कस की हैं। अब हम देख लेते हैं ये किस फॉर्म के हैं। ये पहले भी हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ चार्ट्स हैं आपको नजर आ रही है। कॉलम चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये डोनट चार्ट है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर एंड स्पाइडर चार्ट। ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स की दैट आर क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल। एट द एंड वी विल डिस्कस बार चार्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स टू क्रिएट अ बार चार्ट इन एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बार चार्ट, ये किस फॉर्म का होता है। बार चार्ट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार चार्ट बार्स की फॉर्म में होता है और ये बार्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। लेकिन एक्सेल में जो वर्टिकल वायन है यानी कि जो वर्टिकल बार्स हैं उनको आमतौर पे कॉलम से रेफर किया जाता है। इट मीन्स के हॉरिजॉन्टल बार्स आर कॉल्ड बार चार्ट। और अगर हम वर्टिकल बार्स की बात करें तो वर्टिकल बार्स को एम एस एक्सेल में कॉलम चार्ट से रेफर किया जाता है। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि बार चार्ट की एक्सेल में रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है। स्टूडेंट्स, ये बार चार्ट की एक रिप्रेजेंटेशन, एक एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। हॉरिजॉन्टल बार्स को बेसिकली एमएस एक्सेल में रेफर किया जाता है एज बार चार्ट। और अगर हम वर्टिकल बार्स की बात करें, वर्टिकल वर्जन इज नोन एज कॉलम चार्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह की हॉरिजॉन्टल बार्स गिवन डेटा के लिए कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। बार चार्ट एमएस एक्सेल में किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो अब हम वो स्टेप्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 इज ऑन पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पे हेडिंग है टू इंसर्ट कॉलम चार्ट। तो आपने ये कॉलम कवर कट करना है और यहाँ पे लिखना है बार। तो ये हेडिंग हो जाएगी टू इंसर्ट बार चार्ट। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट सेल्स इन द शीट एज डेटा फॉर कॉलम चार्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम की जगह पे बार चार्ट। तो सबसे पहले हम शीट में से वो डेटा सेलेक्ट करेंगे, वो सेल्स सेलेक्ट करेंगे जिनके लिए हमें बार चार्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल A3 to D8 जैसे कि फिगर में है। नेक्स्ट स्टेप इज चूज द इंसर्ट टैब। यानी हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब को चूज करना है। क्लिक द कॉलम बटन इन द चार्ट। यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम की जगह आएगा बार। क्लिक द बार बटन इन द चार्ट। डिफरेंट चार्ट्स होंगे और हमने किस बटन पे क्लिक करना है, बार बटन पे। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ बार चार्ट्स सब टाइप्स अपीयर्स। तो यहाँ पे कॉलम की जगह आएगा बार, अ लिस्ट ऑफ बार चार्ट सब टाइप्स अपीयर्स। हमारे सामने एक लिस्ट अपीयर होगी और लिस्ट में से जो भी रिक्वायर्ड चार्ट है हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वो चार्ट एम एस एक्सेल में क्रिएट हो जाएगा। क्लिक द रिक्वायर्ड चार्ट सब टाइप, फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर्ड बार चार्ट सब टाइप। यहाँ पे एज शोन इन द फिगर आप देख सकते हैं एक टाइप सेलेक्ट की गई है, सब टाइप्स उनमें से एक टाइप सेलेक्ट की गई है। ये अभी हम एक्सेल में क्रिएट भी करेंगे। एक्सेल इंसर्ट्स अ क्लस्टर्ड बार चार्ट एज शोन इन द फिगर।
तो यहाँ पे कॉलम की जगह पे आपने बार कर लेना, स्टेप्स वही हैं बार चार्ट के लिए भी कॉलम चार्ट के लिए भी। तो आपने सिंपली कॉलम की जगह पे यहाँ पे बार यूज करना है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब हम एमएस एक्सेल में देखते हैं कि किस तरह से बार चार्ट क्रिएट होता है यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन द एमएस एक्सेल वर्कशीट। सो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल वर्कशीट में ये डेटा एंटर्ड है और हमें इस डेटा को यूज करते हुए एक बार चार्ट क्रिएट करना है। तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे इन विच डेटा इज एंटर्ड। अब यहाँ पे सेल्स हैं, सेल B1 से सेल C5 तक डेटा एंटर्ड है। तो अब हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब चूज करेंगे, यानी कि इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, क्लिक करने से ये डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंट चार्ट्स भी अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंटर रखें तो यहाँ पे शो हो रहा है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। तो यहाँ पे कॉलम चार्ट भी इंसर्ट हो सकता है, बार चार्ट भी इंसर्ट हो सकता है। तो हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए क्लिक करने से एक लिस्ट अपीयर हुई है। अभी हमने डिस्कस किया है वर्टिकल वर्जन इज नोन एज कॉलम। तो आप देखिए ये वर्टिकल वर्जन प्रेजेंट है चार्ट की। इस तरह से नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बार चार्ट्स हैं, डिफरेंट बार चार्ट्स हैं और इनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कोई भी बार चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये है क्लस्टर्ड बार चार्ट, इस तरह से ये एक और टाइप है स्टैक्ड, और ये नेक्स्ट एक और टाइप है, और ये फर्दर बार चार्ट की टाइप्स हैं। तो हमने कौन सा एंटर करना है, क्लस्टर्ड बार चार्ट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने से ये देखिए बार चार्ट क्रिएट हो गया है एमएस एक्सेल में। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो डेटा एंटर था उसके लिए हमने एक बार चार्ट क्रिएट किया है। स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी टाइप का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं इन द एमएस एक्सेल वर्कशीट। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।